दोस्तों, टेस्ट बिहार का चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज मैंने ये जीरा राइस बनाया है जो फटाफट बन के रेडी हो जाता है, तो चलिए बनाते हैं। तो दोस्तों, जीरा राइस बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये एक गिलास चावल लिया है और घी चाहिए, घी के बदले आप तेल भी ले सकते हैं, और नमक चाहिए, ये साबुत जीरा, थोड़ा दालचीनी, थोड़ी बड़ी इलायची, थोड़ी छोटी इलायची, और ये सा जीरा है, थोड़ा सा लौंग, काली मिर्च, थोड़ा सा नींबू। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, मैंने लो टू मीडियम फ्लेम पे चूल्हे पे कुकर चढ़ा दिया है, आप इसको पतीला में भी बना सकते हैं, मैंने कुकर में बनाया है। तो सबसे पहले हम लोग कुकर में घी डालेंगे, घी में बनाने से टेस्ट अच्छा आता है, आप ऐसे तेल में भी बना सकते हैं इसको। घी थोड़ा गर्म हो जाए उसके बाद हम लोग इसमें मसाला डालेंगे। घी गर्म हो गया है, अब हम लोग इसमें ये सारा सूखा मसाला डाल देते हैं। जीरा फ्राई हो गया दोस्तों। देखिए, मैंने ये चावल धो लिया था दो तीन पानी से, अब इसको हम लोग इसमें डाल देते हैं और अच्छे से इसको मिला देते हैं। थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देते हैं। ये फटाफट बन के रेडी भी हो जाता है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। तो 2 मिनट के लिए फ्राई करना है। देखिए दोस्तों, 2 मिनट हो गया है, अब हम लोग जिस ग्लास से चावल लिए थे उसी ग्लास से डेढ़ गुना पानी डालना है इसमें, ये एक गिलास और ये आधा गिलास। तो दोस्तों, जब हम लोग पानी डालते हैं उसी समय हम लोग ये नींबू का रस थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, इससे चावल खिला खिला बनेगा और टेस्ट भी अच्छा आएगा। अब हम लोग इसको कवर करके 10 मिनट के लिए इसको पकाएंगे, फिर जीरा राइस रेडी। देखिए दोस्तों, 10 मिनट हो गया है, मैंने चूल्हा बंद कर दिया है और कुकर खोल के दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा बना है, अब हम लोग इसको सर्विंग बाउल में निकालते हैं। देखिए दोस्तों, कितना अच्छा जीरा राइस बन के रेडी है, एकदम खिला खिला रेस्टोरेंट के जैसा। आप इस पर थोड़ा सा ये धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर दीजिए और राजमा दाल सब्जी किसी के भी साथ खाइए। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।